नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी के इस खास पेशकश में, 9 घंटे की सर्द कहानी। जी हाँ, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। मौसम ठंड का है और इस ठंडे मौसम में कपकपी ना छूटे, ऐसे कैसे हो सकता है। बनारस में R9 टीवी ने सर्दी के सितम के बीच शहर के रैन बसेरों से लेकर रेलवे स्टेशन तक का जायजा लिया। कागजों में तो रैन बसेरे हैं, पर उनकी हकीकत क्या है, हमने इसकी पड़ताल की। जी हाँ, कई जगहों पर तो सुविधाएं पूरी नजर आई, लेकिन कुछ जगहों पर ठंड से बचने के इंतजामात काफी नजर नहीं आए। तो आइए आपको दिखाते हैं 9 घंटे की सर्द रात की पूरी कहानी। इस समय हम स्टेशन परिसर में हैं और इस समय अगर बात करें वक्त की, तो आप वक्त देख सकते हैं, घड़ी का वक्त टिक टिक करके बढ़ता जा रहा है और ठंड का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। ये इस समय हम खुले आसमान में हैं स्टेशन परिसर के बाहर और आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं यहाँ किस तरह खुले आसमान के नीचे जिंदगियाँ ठिठुरने पे मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई बंदोबस्त रहन बसेरे का नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं जो लोग गर्म कपड़े लेकर आए हुए हैं वही यहाँ पर हैं, और आप देख सकते हैं ये मासूम सा बच्चा यहाँ इनके साथ खुले आसमान के नीचे सोने पे मजबूर है। आप देख सकते हैं ये दिव्यांग हैं, ये भी खुले आसमान के नीचे सोने पे मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, खुले आसमान के नीचे हैं। कहाँ जाना है आपको? गोरखपुर। कहाँ, कोई यहाँ पर रहने का कोई बंदोबस्त किया गया है? अंदर है, लेकिन हम लोग इधर बैठे हैं। कहाँ पे है? अंदर है ना, अंदर। कम्बल उम्बल की व्यवस्था है वहाँ? कम्बल हम लोग लेकर आए हैं। तो यहाँ कहीं अलाव उलाव की व्यवस्था है? गर्म। तो आप देख सकते हैं ये खुले आसमान के नीचे सोने पे मजबूर हैं, क्योंकि इनकी ट्रेन अभी आने में वक्त है। और आप देख सकते हैं यहाँ लोग हैं, किस तरह की ठंड है यहाँ? बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। कोई अलाव की व्यवस्था? अलाव की व्यवस्था तो कुछ नहीं है फिलहाल यहाँ पे जी। कहीं कोई रेलवे की तरफ से या नगर निगम की तरफ से कोई बंदोबस्त किया गया हो? वैसे तो साफ़ सुथरा अच्छे है, भीड़ भाड़ नहीं रहती है, टिकट टुकट की व्यवस्था सब ठीक ठाक है। ठंड का क्या? ठंड का तो पूछिए मत, ठंड तो आते जाते मौसम रहता है जाने का। सरकारी कोई ठंड को लेकर कोई बंदोबस्त किए गए हैं? सरकार में फिलहाल तो मैं यहाँ अभी आया हूँ, इससे पहले आया नहीं था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्द हवाएं जो हैं वो लोगों को परेशान कर रही है, यही वजह है कि हर किसी के शरीर पे आप गर्म कपड़े देख रहे हैं। कहाँ से आए? गोरखपुर से। कहाँ जाना है? गोरखपुर ही जाना है। यहाँ पर कहीं अलाव अलाव की व्यवस्था? इधर व्यवस्था तो नहीं है। कहाँ आए? दिल से आया हूँ मैं, इधर बड़ी ठंड लग रही है ऐसे जी। जी, क्या कहना चाहेंगे सरकार को, क्या अवगत कराना चाहेंगे? अभी तक जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अभी कोई व्यवस्था नहीं, ठंड की कोई व्यवस्था नहीं, कोई अलाव की भी व्यवस्था नहीं की गई है, और 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ ठंड बढ़ती ही जा रही है। और मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जो हम लोग दूर दूर से, काफ़ी दूर से सफ़र कर रहे हैं, अब मुझे लखनऊ जाना है और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कहीं भी इतनी ज़्यादा ठंड है और कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं, कहना चाहूँगा कि जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। ये हमारे साथ, हम दिखाएंगे बनारस के उन चौराहों पर जहाँ पर खाकी वर्दी के जवान रात को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए लोग अपने घर में चैन से सोएं, सड़कों पर किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए सड़क पर पिकेट की ड्यूटी देते हुए जवान भी दिखेंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। पर क्या नगर निगम से अलाव की व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई है, बने रहिए हमारे साथ। हम लिए चलते हैं अब शहर के उन चौराहों की तरफ जहाँ पर जानेंगे कि क्या है गर्म इंतजाम, मतलब ये कह लें कि ठंड से बचने के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं नगर निगम के द्वारा। आइए हमारे साथ चलिए। आप लोग कहाँ से हैं? जी हम बनारस से हैं। ठंड के लिए कोई यहाँ बंदोबस्त किया गया है, कोई अलाव की व्यवस्था है? हमारे साहब इनसे बात कर लीजिए। बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है,
तमाम लोग ठंड से सिकुड़े हुए पड़े हुए हैं, जो है स्टेशन पे भी पड़े हुए हैं। ठंड की कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं दिख रहा है आपको कहीं अलाव जल रहा है, तो व्यवस्था कोई अच्छी नहीं है। प्रमोद कुमार मिश्रा, जिलाध्यक्ष माध्यमिक विद्यालय शिक्षक महासभा वाराणसी। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अगल बगल नहीं कोई ऐसा है व्यवस्था जो यात्री उससे थोड़ा लाभ उठावे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमें तो, हमारा नहीं, रैन बसेरा होना चाहिए, अलाव जलना चाहिए या कोई दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए। आप इसमें करंट स्टेशन पर हैं, खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि प्रशासन को जिन बातों पर ध्यान देना चाहिए, प्रशासन उन बातों पर ध्यान न दे करके बाकी बहुत सारी बातों पर ध्यान देती है, और जो पब्लिक से संबंधित है, जिससे पब्लिक का भला हो, लोगों का भला हो, सरकार जरा भी उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है। किस तरह के अलाव की व्यवस्था और रैन बसेरे का व्यवस्था यहाँ पर दिखा? कुछ कोई व्यवस्था नहीं दिखा। मैं तो अभी शहर में बहुत दूर से आ रहा हूँ, लंका क्षेत्र से आ रहा हूँ, रास्ते में मुझे कहीं भी कल अलाव की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दी। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ होना तो चाहिए। सब लोग उम्मीद भी करते हैं कि यहाँ अन्य जगहों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अभी तक यहाँ कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। हम चाहते हैं यहाँ साफ़ सुथरा सब व्यवस्था ठीक है, मगर अलाव की व्यवस्था ठंडी में होना ज़रूरी है। जैसे हम लोग देखिए, हम लोग उसके जो है नीचे बैठे हैं, हमारा ये सिद्धांत है कम से कम उस जो है अलाव की व्यवस्था बराबर रहे यहाँ पर। जिन गरीब से आके होते हुए आप यहाँ पहुँचे, हाँ, स्टेशन परिसर के पास, क्या उन चौराहों पर अलाव की व्यवस्था एकदम नहीं है? क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को हम चाहते हैं कि जगह जगह जो जो है जितने भी त्रिमानी या मोड़ या चौमानी जो भी पड़े वहाँ पर अलाव की व्यवस्था करे, जिससे गरीब बेचारे किसी भी माध्यम से उतरते हैं जो भी है उनको थोड़ा सा राहत महसूस हो। ठंड में कैसे जिंदगियां ठिठुर रही हैं, इस कड़ाके की ठंड में कैसे आसमान से वो ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाते रहेंगे। कुछ और भी हैं, छात्र हैं आप, किस तरह की व्यवस्था की गई है ठंड से बचने के लिए? यहाँ पे तो फिलहाल कोई व्यवस्था अभी तक तो नज़र नहीं आ रही है कि मतलब बेसिकली हम बिहार के सबसे छोटे जिले शिवहर जिले से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे बीएचयू में रह के पढ़ाई करते हैं, तो मतलब लगभग यहाँ पे 8 बजे के तकरीबन से हम यहाँ पे हैं, लेकिन मतलब उस टाइप का व्यवस्था हमको अभी तक दिखी नहीं है, जो इस टाइप को जिस टाइप की इस बार अभी ठंडी पड़ रही है उस टाइप से मतलब कुछ व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे, तो मतलब फिलहाल तो अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था हमको अभी तक दिखी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बूढ़ी माता है, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि वो ठंड में किस तरह खुले आसमान में वो बैठी हुई हैं, कोई बंदोबस्त नहीं है, जो वो घर से गर्म कपड़े लाई हैं उन्हीं का बस संसाधन एक उनके पास है, और आप देख सकते हैं ये खुले आसमान में इस समय बैठी हुई हैं, क्योंकि ठंड से बचने के लिए कोई भी इनके पास प्रबंध नहीं है, कोई भी नगर निगम से ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है या यहाँ के स्टेशन मास्टर की तरफ से कोई बंदोबस्त नहीं की गई है। इस समय अगर घड़ी की बात करें तो आप देख सकते हैं 12:07 हो चुका है, रात के इस वक्त में सर्द हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि अगर आप सड़क पर निकल रहे हैं तो गर्म कपड़ों का प्रयोग करें, और अगर सरकारी व्यवस्थाओं की बात करें तो सरकारी व्यवस्थाएं ना के बराबर है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाएंगे पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में अधिकारियों की उदासीनता इस कदर की है कि उसकी वजह से ठंड से बचने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया है। हम और जगह लिए चलते हैं आपको और जानते हैं क्या है ठंड से बचने के लिए सरकारी व्यवस्थाएं। इस समय हम शहर के अंदर हैं और आप देख सकते हैं इस समय अगर घड़ी की बात करें तो घड़ी में इस समय बज चुके हैं 12:26। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, 12:26 का वक्त हो चुका है और इस समय हम शहर के बीचों बीच में हैं। ये सिगरा इलाका है शहर का और आप देख सकते हैं ये पुलिस बूथ है सिगरा थाना अंतर्गत ये चौराहे पर, और यहाँ पर नगर निगम की मेहरबानी पुलिस बूथ के पास दिख रही है, यहाँ पर बाकायदे अलाव की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर जवानों की तैनाती की गई है वाराणसी पुलिस द्वारा। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आएँ और दिखाए बातचीत किया जाए क्या है, किस तरह की व्यवस्था है। आप यहाँ चौराहे पर तैनात हैं, किस तरह की ठंड है? ठंड काफ़ी है,
बचने के लिए क्या प्रबंध किया है आपने? बचने के लिए आग जलाया गया है। किसके तरफ से है? ये नगर निगम की तरफ से है। फिर आप वर्दी में भी हैं, इतना पहने क्यों हैं? क्या वजह है इसके पीछे? गाड़ी चला रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश यादव। किस पोस्ट पे? हम कांस्टेबल हैं। तो आप देख सकते हैं ठंड जो है वो खाकी वर्दी के जवानों में भी दिख रही है, क्योंकि ठंड का असर वाकई जो सर्द हवाएं हैं वो लोगों को अब परेशान करने लगी है। पूर्वांचल में तापमान इतनी तेजी से नीचे गिर रहा है, ठंड जो सर्द हवाएं हैं वो दिखने लगी हैं। हालांकि यहां पर नगर निगम ने मेहरबानी की है, यहां पर नगर निगम ने मेहरबानी भी की है और अलाव की व्यवस्था भी यहां पर की गई है, क्योंकि यहां पर रात भर इन जवानों को यहां ड्यूटी देनी है, तैनाती रखनी है, क्योंकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि बनारस बड़ा टूरिज्म का एक हब है, देश दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ पर अलाव की व्यवस्था भी चौराहे पर की गई है कि ताकि कोई भी यहाँ से गुजरे तो उसे अलाव की व्यवस्था। बने रहिए हमारे साथ, हम और भी जगह लिए चलते हैं और जानते हैं कहाँ है बनारस का वो रैन बसेरा। तो बने रहिए हमारे साथ। इस समय हम पूर्वांचल के सबसे बड़े गल्ला मंडी इलाके में हैं और ऐसे में अगर बात करें तो यहाँ पर पूर्वांचल के अलग अलग हिस्सों से जो गल्ला व्यापारी हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ पर परमानेंट रैन बसेरे का बंदोबस्त किया गया है। क्या है इन रैन बसेरों में, आइए लिए चलते हैं आपको अंदर और देखते हैं क्या है इसका प्रबंध। आप देख सकते हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं हम कि इस रहन बसेरे में क्या है। ये देखिए, रहन बसेरे में कुछ लोग हैं। किस तरह का बंदोबस्त किया गया है यहाँ पर रहन बसेरे को लेकर? जो आदमी आते हैं सर, उनको सोने के लिए सुलाया जाता है। आप यहाँ पर इंचार्ज हैं यहाँ के? अच्छा, किस तरह का बंदोबस्त है यहाँ पर? यहाँ पर जो यात्री आते हैं सब सुलाते हैं और यात्री सब सोए हैं। क्या क्या यहाँ बंदोबस्त में है? बदमस में यह सब रजाई गद्दा जो उनको ओढ़ना बिछोड़ना सब है सर। कितने जगह बनाए गए हैं बसेरे? देखिए यहाँ पर है और अलाईपुर में है, गुलगड्डा में है। और आइए आपको अंदर भी लिए चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ रहन बसेरे का जो प्रबंध है वो दिख रहा है। और पिछले कई सालों से, कितने साल से यहाँ पर रहन बसेरा? साल भर से हम सर यहाँ पर। कितने साल पुराना ये रैन बसेरा? रैन बसेरा तो करीब 7-8 साल बरस से पहले से। कितने लोगों के यहाँ सोने का प्रबंध है? जैसे यहाँ तो 10-12 आदमी सोते हैं, मगर 15-20 भी हो जाते हैं तब भी रख लिया जाता है। जो भी यात्री आते हैं सबको सुलाया जाता है, उसे कमल दिया जाता है। और अब तो जाड़ा अब आ गया है, 2-2 कमल दिया गया है। और फिर उसके बाद रजाई आ जाता तो रजाई भी दे दिया जाता है। ये सब प्रबंध कहाँ से होता है? ये सर डूडा की तरफ से होता है और फिर नगर निगम की तरफ से सब कम्बल उम्बल आता है। किस तरह की ठंड है यहाँ बनारस? ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही सर, ठंड बहुत ज़्यादा है, सर्द हवाएं लोगों को परेशान करने लगी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लकड़ियाँ भी हैं ठंड से बचने के लिए, अगर कोई किसी को ठंड लग जाता है या ज़्यादा ठंड पड़ती है तो। आप देख सकते हैं ये लोग भी हैं। कहाँ से आए बाबा? खड़दीपुर से। किस तरह के बंदोबस्त किए गए? यही सब चदरा सदा मिलता है उड़ने का रहने का। क्या करते हैं आप? एक टोकरी को ढोते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा घड़ी दिखाएं, इस समय 1 बज चुका है और हम रैन बसेरे का रियलिटी चेक कर रहे हैं। सरकार लगातार दावे कर रही है कि जगह जगह ठंड से बचने के प्रबंध किए गए हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां पर व्यवस्थाएं कागज पे तो हैं लेकिन धरातल पर उसका कोई भी असर नहीं दिख रहा है। लेकिन कुछ ऐसे जगह भी हैं जहां पर पूरी तरीके से अस्थाई व्यवस्था कर दिया गया है कि रैन बसेरों का, कि जहां पर लोग सर्दी से बच सकते हैं। कंबल के प्रबंध किए गए हैं, गद्दे के प्रबंध किए गए हैं कि ताकि जो भी लोग अगर बनारस आते हैं तो उन्हें यहां पर ये व्यवस्थाओं से वो अपने आप को ठंड से बचा सकें। और सर्द हवाएं बनारस में और पूर्वांचल में लोगों को परेशान कर रही हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाएंगे
और जगह पे क्या है रैन बसेरे का व्यवस्था। स्टेशन परिसर के बाहर ये जीआरपी का एक पुलिस बूथ बना हुआ है। आइए, यहाँ पर जवान भी हैं जीआरपी के। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक जी, किस तरह की यहाँ ठंड से बचने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है यात्रियों के लिए? यात्रियों के लिए यहाँ पे अलाव जलाया गया है और कहीं रैन बसेरे का कहीं बंदोबस्त? रैन बसेरे का वैसे कुछ भी नहीं है, ये इसमें दोनों तरफ और उधर भी जाके रुकने के लिए व्यवस्था बनी हुई है। कुछ कम्बल उम्बल वितरण होता है वहाँ? अभी हमारे पास जानकारी नहीं इसके बारे में। क्या कर रहे हैं आप इस समय यहाँ, क्या ड्यूटी लगाई? यहाँ पे ट्रैफिक को देखना है, यही सारी चीजें हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी है। तो ठंड से बचने के लिए कुछ किया गया है? हमारी नॉलेज में नहीं है, अभी जितना था हमने आपको बताया। क्या नाम है आपका? कांस्टेबल दीपक कुमार। किस पोस्ट पे हैं? कांस्टेबल दीपक कुमार। ये जीआरपी के कांस्टेबल दीपक कुमार जी हैं जो बता रहे हैं कि एक अलाव की व्यवस्था की गई है, वो भी हम देखते हैं, अपने कैमरे की नज़रिए से दिखाते हैं। देखिए, एक अलाव की व्यवस्था जीआरपी पुलिस बूथ के पास किया गया है। ये यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, जो टेम्पो चालक हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ यात्री भी हैं जो यहाँ पर हैं, जो लगातार ठंड से बचने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। हालांकि इस लकड़ियों को देख के लग रहा है कि नगर निगम यहाँ पर मेहरबानी अपनी दिखाया है और नगर निगम की मेहरबानी ये है कि यहाँ पर एक अलाव की व्यवस्था दिख रही है, वो भी जीआरपी पुलिस बूथ के बाहर। और अगर स्टेशन परिसर के आसपास की बात करें तो स्टेशन के आसपास कैमरे की निगाह से या मेरी निगाहों से कहीं नहीं दिखा कि कहीं अलाव का व्यवस्था भी किया गया हो। हालांकि यहां पर नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था की गई है। कैंट स्टेशन परिसर के आसपास कोई भी ऐसा रैन बसेरे का इंतजाम नहीं किया गया है जिससे आने जाने वाले यात्री जिनकी ट्रेनें घंटों घंटों लेट हैं उनको गर्म कम्बल का सहारा मिल सके, छत मिल सके जिसके नीचे वो अपने ट्रेन का इंतज़ार कर सकें, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं दिखी। अब हम आपको लिए चलते हैं शहर के उन चौराहों पर जहाँ पर खाकी वर्दी के जवान ड्यूटी तो दे रहे हैं, लेकिन उन चौराहों पर जहाँ पर अलाव की व्यवस्था की जाती है वहाँ अलाव की व्यवस्था है या नहीं, जवान चौराहे पर हैं या नहीं, आइए लिए चलते हैं आपको शहर के अंदर। कड़ाके की ठंड और सर्दी वाली वो रात हम दिखा रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से। यहाँ पर हमारे साथ नगर निगम के कर्मचारी भी हैं। किस तरह की अलाव की व्यवस्था की गई है? हमारे माननीय नगर आयुक्त महोदय ने हर जगह रैन बसेरा में और जितने पुलिस पिकेट हैं वहाँ पे और हर चौराहे पे सर्दी को देखते हुए नगर निगम से लकड़ी गिराकर अलाव गिराया जलाया जा रहा है। जहाँ नहीं जल रहा है वहाँ नगर निगम के स्वयं कर्मचारी जला रहे हैं और ऐसे सफाई कर्मचारी यूनियन का मैं अध्यक्ष भी हूँ। और इस समय नगर आयुक्त हमारे जो हैं बहुत खास खास निर्णय खुद रात में कालीन में जो है जगह जगह चौराहे में चेक कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप नगर निगम से हैं, कितने जगह अलाव की व्यवस्था की गई है? कम से कम 1000 जगह अलाव जल रहा है, हर 5 जोन है 5 जोन में जल रहा है। आदमपुर जोन है, दशाश्वमेध जोन है, सर्वप्रथम दशाश्वमेध जोन का ये जला हुआ जो है कि हमारे पास सब जगह का भेजा हुआ, छिड़काव भी किया जाता है और गद्दे में क्या-क्या बंदोबस्त किया गया है? गद्दा और कम्बल रजाई। कितने जगह रैन बसेरे बनाए गए? कम से कम हमारी जानकारी में तो 15-20 जगह हैं। मुख्य मुख्य कौन सी जगह है? दशाश्वमेध में है रैन बसेरा और जैतपुरा में है, काशी स्टेशन के पास है, मलदैया में है रैन बसेरा, कैंट पे नेहरू मार्केट में है, नेहरू मार्केट। कितने यात्री नेहरू मार्केट को जानते हैं? अभी ना तो अब आते जाते रहते हैं लोग, नहीं बता नहीं पाएंगे कितनी संख्या में है। तो सिर्फ एक ही जगह देखा जो जीआरपी का पुलिस बूथ है, उसी जगह पे केवल अलाव की व्यवस्था नेहरू मार्केट में जल रहा है। मेरे पास जला मोबाइल में है इंग्लिश लाइन नेहरू मार्केट के रैन बसेरा का जस्ट पीछे जल रहा है। तो ये थे हमारे साथ नगर निगम के कर्मचारी जो बता रहे थे नगर आयुक्त साहब के उपलब्धियों के बारे में, लेकिन कैमरे की जो लेंस होती है वो कभी झूठ नहीं बोलती।
कड़कड़ाती ठंड से पूरा उत्तर भारत जो है ठिठुर रहा है। रोजगार के लिए दूसरे शहर पहुंचे बेसहारों का दिन तो किसी भी तरह से कट जाता है, लेकिन शाम होते ही इस कड़ाके की ठंड में उनका सहारा सिर्फ रैन बसेरा होता है। सरकार की ओर से रैन बसेरों का इंतजाम तो किया गया है, लेकिन उसमें कितनी सुविधाएं मिलती है इसका जायजा शहर शहर हमारी टीम ने पहुंचकर लिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए कि किस तरह की सुविधाएं रैन बसेरों में मिल रही हैं। उत्तर भारत में हाड़ कपकपाती ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं। लोग बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। सूरज भी कभी कभी अपना दर्शन दे रहा है। ठिठुरन भरी ठंड में बेसहारों का सहारा है रैन बसेरा। गाजियाबाद में रैन बसेरों की हालात का जायजा लेने हमारी टीम पहुंची, जहां पर पूरी सुविधाएं नजर आई। वहां ठहरने वाले लोग रैन बसेरों में मिलने वाली सुविधाओं से संतुष्ट नजर आए। हाँ बाबू जी, व्यवस्था ठीक मिल रही है। कम्बल अम्बल है, बिस्तर है। और वैसे लाइट वगैरह? लाइट है बाबू जी। हाँ लाइट, ना दिक्कत कुछ ना बाबू जी। ठंडी ठंडी बढ़िया कटी जाती है जी। हमारे पास 25 कम्बल, 20 गद्दे दिए हैं। पानी की और लाइट की सारी व्यवस्था है। गैस सिलेंडर बर्तन दे रखे हैं। लगभग कल की डेट में तो 15 थे, उससे 17 थे, उससे जहां गाजियाबाद के रैन बसेरों में सुविधाएं नजर आईं, तो वहीं मेरठ में रैन बसेरों की रियलिटी चेक करने पर पता चला कि प्रशासन के दावे खोखले हैं। आरलाइन की टीम इस वक्त निकली है मेरठ के नगर निगम द्वारा संचालित रैन बसेरों को रियलिटी चेक करने के लिए। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं सूरजकुंड के रैन बसेरे पर। यह रैन बसेरा ठीक मेयर के दफ्तर के बराबर में है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बराबर में आप देख सकते हैं यहाँ पर काम चल रहा है। क्योंकि पिछली बार ये गेट पूरी तरह से टूटा हुआ था, जर्जर था, जिसकी डिमांड आ रही थी कि यहाँ पर काम होना चाहिए, जिसके चलते अब सर्दियां आ चुकी हैं और काम भी शुरू हो चुका है। कैमरामैन से कहूंगा अंदर चले और अंदर का नजारा भी दिखाएंगे, किस तरीके के यहाँ पर हालात हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो फैसिलिटीज हैं वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। हालांकि साइड में कहूंगा कैमरामैन से एक बार दिखाएं, गेट के अंदर एंट्री करते ही यहाँ पर कुछ पुराने रिक्शा आपको दिखाई देंगे और इनमें पूरी तरह से गंदगी फैली हुई है, जिसके चलते मच्छर भी यहाँ पनपते होंगे और जो यहाँ लोग रहने वाले हैं उनको मच्छरों से दिक्कत होती होगी। कैमरामैन से कहूंगा इनको दिखाने के बाद थोड़ा आगे बढ़े और दिखाएं कि अंदर क्या हालात हैं। हालांकि यहाँ प्रकाश की बेहतर व्यवस्था है और अलाव भी आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पर जो सिक्योर, यहाँ जो गार्ड हैं इस रैन बसेरे के, वो हमारे साथ यहाँ जुड़ेंगे, चूंकि इस वक्त जो अलाव है उस पर वो खड़े हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? हरपाल सिंह। हरपाल जी, कब से आप यहाँ पर? मेरे को यहाँ 10 फरवरी से। 10 फरवरी से रैन बसेरा सही चल रहा है? रैन बसेरा बढ़िया चल रहा जी। फैसिलिटीज क्या क्या है पर? सारी फैसिलिटी है। गर्मी के समय बस पंखे की सुविधा नहीं है। अच्छा, इस समय यहाँ सब सुविधा, थोड़ी सी गंदगी है, इसको हम कई बार कह चुके हैं कि ये उठना चाहिए यहाँ से। अच्छा, पीछे भी एक तरह से देखा जा रहा है कबाड़ पड़ा है। पीछे पुरानी रिक्शे है जी, नगर निगम की है ये कई बार कह चुके हैं कि हटेंगे, अभी तक हटे नहीं। हमारी टीम दूसरे पड़ाव में जब दूसरे रैन बसेरे पर पहुंची, तो वहां की हालत पहले से बेहतर नजर आई। R9 की टीम अब पहुंची है अगले पड़ाव पर। ये भी सूरजकुंड का रैन बसेरा है, आप देखेंगे तस्वीरों में। इस रैन बसेरे के लिए, इस रैन बसेरे में क्या चलता है, कैसे यहाँ पर लोग सोते हैं और क्या सुविधाएं हैं, उसका भी हम यहाँ जायजा लेंगे। फिलहाल सबसे पहले दिखाऊंगा यहाँ पर अलाव, तो आपको जलता दिखाई देगा और अलाव की व्यवस्था है। आपका क्या नाम क्या है? गौरव कुमार। गौरव, क्या करते हैं? मैं यहाँ पे चौकीदार हूँ। गौरव, बताइए कब से यहाँ पर हो आप और कितने लोग अंदर आ रहे हैं? यहाँ पे करीब 12-13 लोग आते हैं रोज की, और मेरे को यहाँ 1.5-2 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? यहाँ पे सुविधा रजाई, कम्बल वगैरह, तकत वगैरह सब है। रसोई है? रसोई नहीं है। पानी? पानी सब है। नहाने का भी है। बाथरूम अच्छे हैं? सब अच्छे हैं। साफ सफाई है? सब अच्छा है। हम भी देखेंगे। चलो यहाँ पर कैमरामैन से कहूंगा एक बार सबसे पहले दिखाएं अलाव। सबसे पहली जरूरत अलाव की है, क्योंकि हर आने वाला जो राहगीर है या फिर मजबूर है, जिसके पास संसाधनों का अभाव है, सबसे पहले उसको हाथ सेकने होते हैं, गर्मी चाहिए।
रैन बसेरों की हालात को लेकर जब डीएम से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर निगम में हमारे जो है 12 रैन बसेरे हैं और बाकी सभी जगह तहसीलों और नगर पालिका नगर पंचायत में भी किसी में एक है किसी में दो है, तो लगभग जो है 30 के आसपास पूरे जनपद में रैन बसेरे हैं और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने जो है व्यवस्था इस बार जो है वहाँ पे बेडिंग की है, कंबल की है, अलाव की है, टॉयलेट की है, साफ सफाई की है। साफ सफाई को लेकर जैसे कुछ इशू आपने बताया कि कहीं जगह नहीं हो पा रहा है तो उसको अभी एक बार हम दोबारा दिखवा लेते हैं। और कल भी हमारे सभी अधिकारी जो फील्ड में गए भी थे तो कहीं कोई ऐसी संज्ञान में नहीं आया, लेकिन जो आप अगर कोई पर्टिकुलर बता रहे हैं तो उसको हम चेक करा लेते हैं। इसमें हम लोग का उद्देश्य यही है कि जो भी कोई व्यक्ति है मतलब सड़क पर ना सोए और अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत लग रही है कंबल की है या सोने की रस्ते की तो हमारे रैन बसेरे में आके जो है अपना जो है आराम कर सकता है, रात में कहीं कोई दिक्कत नहीं। R9 टीवी की टीम ने बलिया के रैन बसेरों का भी रियलिटी चेक किया तो रोडवेज के पास बने रैन बसेरों में इंसान की जगह कुत्ते सोते नजर आए। सोने के लिए पुआल बिछा था और सब कुछ बिखरा पड़ा था। रोजगार की तलाश में बाहर से आए लोगों का दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन जैसे दिन ढलता है और ठंड कपकपाने लगती है तो वो उससे बचने के लिए रास्ता ढूंढते हैं। तब इनके लिए सहारा होता है रैन बसेरा। वहीं जब इन रैन बसेरों में उनको सुविधाएं नहीं मिलती तो उनके माथे पर चिंता की लकीर साफ तौर पर देखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट R19। तो सर्द रातों की सच्चाई हमने आपको दिखाई अपने इस खास पेशकश 9 घंटे की सर्द कहानी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।